हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गृह सोनाली। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही असरदार हेयर ऑयल बनाने की रेसिपी, जिसके रेगुलर यूज से आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, और इसकी जितनी अधिक केयर करेंगे वे उतने ही अधिक घने, लंबे और शाइनी बनते हैं। और यदि आप इन बताए गए हेयर ऑयल का रेगुलर यूज करेंगे तो आपके बाल भी बहुत जल्दी काले, लंबे व घने बन जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे इस गृह सोनाली यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और यह जानकारी पसंद आने पर आप इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब जानते हैं इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आधा किलो कच्चे आंवलों को कद्दूकस करके इनका जूस निकाल लीजिए। अब एक गुच्छा करी पत्ता लेकर इनको मिक्सी में बारीक पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लें, और जटामासी की जड़ को थोड़े से पानी में भिगो कर रख लें, और इसके अलावा भृंगराज और ब्राह्मी के पत्तों का भी पेस्ट बना लें, और 2 चम्मच दाना मेथी पाउडर लें, और 250 ग्राम कोकोनट ऑयल की भी ज़रूरत होगी। सबसे पहले इन सभी सामग्रियों को 24 घंटे के लिए 250 ग्राम कोकोनट ऑयल में मिक्स करके रख दें। 24 घंटे के बाद एक भारी तले वाली कढ़ाई या पैन लीजिए। अब इसे गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। अब इसमें कोकोनट ऑयल में डाले गए सारे इंग्रेडिएंट्स और कोकोनट ऑयल डालकर मध्यम आंच पर पकने के लिए रख दें। इसे तब तक पकाइए जब तक कि इसमें डाली गई सारी सामग्रियाँ पक करके नीचे न बैठ जाएं। इसे पकाने के लिए आंच बिल्कुल कम रखिए। तेज आंच होने पर इसमें डाले गए सारे इंग्रेडिएंट्स जल सकते हैं। इसे पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट तक का समय लग सकता है। पकाते समय धीरे धीरे इसे कड़छी से हिलाते जाइए। जब ये तेल अच्छी तरह से पक करके तैयार हो जाए तब गैस बंद कर दें, और इसे 24 घंटे के लिए इसी तरह इसी कढ़ाई में पड़ा रहने दें। और 24 घंटे के बाद इस ऑयल को छान कर किसी कांच के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। इस ऑयल को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे यदि आप कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे तो इसे 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा उपाय है नारियल का तेल, सरसों का तेल, अरंडी का तेल और तिल का तेल। इन चारों तेलों की बराबर क्वांटिटी लेकर इनका मिक्सचर तैयार कर ले। अब इस मिक्स किए हेयर ऑयल से अपने बालों में 5 से 7 मिनट तक सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज कीजिए। वैसे तो ये चारों तेल अलग अलग अपने आप में बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन यदि आप इनको मिक्स करके अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4 गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये चारों तेल मिलके आपके बालों की सभी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तीसरा उपाय है कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। बालों की लेंथ के हिसाब से कोकोनट ऑयल लीजिए। अब इसमें 3 से 4 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को अपने बालों में उनकी जड़ों से लेकर टिप तक पूरी तरह से लगाकर अपने बालों को कवर कर लें, और इसे 1 से 2 घंटे तक इसी तरह से लगा रहने दें, और 1 से 2 घंटे के बाद अपने बालों को अपने नॉर्मल शैम्पू से धो करके साफ कर लें। यहाँ बताए गए उपायों में से कोई सा भी उपाय अपनी सुविधा अनुसार अपना सकते हैं। और दोस्तों, यदि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो नीचे थम्स अप के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नई और बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगी। थैंक यू।